गांव की जो गलियां होती हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। सुबह का टाइम है, तकरीबन 5:30 का टाइम हो रहा है, तो मौसम बहुत मज़े का था, मैंने इसलिए मैंने अभी से व्लॉग शुरू किया है। ये देखें, बारिश शुरू हो चुकी है और मौसम देखें कितना प्यारा। इस टाइम तक थोड़ी थोड़ी सी धूप शुरू हो जाती है, 5:30 का टाइम है, क्यों सूरज निकलना शुरू हो जाता है, चाना काफ़ी हो जाता है, मगर अभी तक ये देखें अंधेरा सा हो रहा है इन बादलों की वजह से। ये देखें बारिश कितनी ज़बरदस्त और तेज़ आ रही है, फुल माहौल में ये बारिश हो रही है। ज़्यादा तेज़ हो चुकी है बारिश, लाइट भी चली गई है। ये बारिश बंद हो चुकी है, मौसम देखें कितना प्यारा हो चुका है। बस हल्की हल्की सी ये कतरे से आ रहे हैं। ये गलियों का हाल है, इधर गांव की जो गलियां होती हैं। नज़ारा मंदिर बनया आया है, पैकेज लवाना 100 रुपये का। ये अभी हम बारिश में पट्ठे लेके आए हैं माशाल्लाह, ये देखें ले आए हैं। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी इसलिए मैं मोबाइल साथ नहीं लेके गया, क्यों मोबाइल का नुकसान हो जाना था। तो मज़ा बहुत आया है, पट्ठे भी काटे हैं, लेके भी आए हैं और बारिश का एंजॉय भी किया, बहुत मज़ा आया, क्यों मौसम बहुत मज़े का हो रहा है और पानी बहुत ज़्यादा था उधर। ये देखें मौसम अभी भी, बादल चेक करें। ये हमारे आज पकी है कढ़ी पकौड़ा सुबह के नाश्ते में। ये बारिश की वजह से फसलों में पानी देखें कितना खड़ा है, सुबह हुई थी, अब तो असर का टाइम हो रहा है। मौसम को एंजॉय करने के लिए बाहर निकला हूँ, क्यों सुबह से जब नाश्ता किया था मैंने उसके बाद तकरीबन 11 की बजे मैं सो गया था, क्यों जब मौसम ठंडा हो या वैसे सर्दी हो, सर्दियों में या कभी गर्मियों में मौसम ठंडा हो
एक नींद बहुत ज़्यादा आती है और एक भूख बहुत ज़्यादा लगती है। नींद को तो मैंने पूरा किया है मगर भूख मैंने ख़राब नहीं की है, क्यों दरमियानी जैसे मैं अगर मैं थोड़ा बहुत अभी कुछ खा लेता तो जो इस वक्त का मज़ा आना था खाना खाने में वो नहीं आना था, क्यों खाना खाया जाता है मज़ा लेने के लिए, मैं तो खाता ही मज़ा लेने के लिए हूँ, तो वो फिर मज़ा नहीं आना था। क्यों आजकल की अफरा तफरी में जो इंसान खाना खाता है 5 मिनट में खाना खा के फारग हो जाता है, तो वो फ़ायदा देने की बजाय खाना वो नुकसान देता है। ये देखें बादल अभी भी काफ़ी हैं, मौसम अभी भी ये देखें ब्लैक कलर में जो बादल हैं ये बारिश के ही हैं। और हवा भी मज़े की चल रही है अभी भी, और ये देखें ये भी सुबह बारिश का पानी इस फसल में अभी तक खड़ा है, क्यों बारिश बहुत ज़्यादा आई है सुबह आज, क्यों मज़ा भी आया। मौसम चेक करें बहुत ज़बरदस्त होता जा रहा है, ये देखें बादल बहुत तेज़ी से दोबारा आ रहे हैं। मैं अभी घर वापस जा रहा हूँ, क्यों भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्यों तकरीबन काफ़ी टाइम से भूख लगी हुई है, बस इसी वजह से कि मैं अपने टाइम पे खाना खाऊंगा। तो मैं घर में बता के भी आया था क्या खाना है, तो उम्मीद है कि तैयार हो चुका होगा, इसी वजह से मैं अभी जल्दी ही घर जा रहा हूँ। क्यों खाने में मैं सुबह वाली कढ़ी पड़ी थी वो कह के आया था, और चावलों का कह के आया था, क्योंकि कढ़ी के साथ चावल बहुत मज़े के लगते हैं, तो इस वजह से वो मैं वही कुछ बता के आया था कि मैं यही खाऊंगा आगे। उम्मीद है कि मेरे जाते तक तैयार हो चुका होगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा और इंतज़ार करेंगे। ये उबले हुए चावल हैं, ये सुबह वाली कढ़ी जो मैंने बताया था, और साथ ये सालन बनाया अंडे का। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है ये अनमोल टोर है। ये नमाज़ पढ़ के आया हूँ, तो लाइट हमने बंद की हुई है, उसका रीज़न ये है कि बारिश हुई है सुबह और मच्छर बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं। मैं अभी आप दोस्तों को दिखाता हूँ, क्योंकि रोशनी पे बहुत ज़्यादा आते हैं, ये देखें लाइट के आसपास कितने मच्छर हैं, तो इसीलिए बाहर की लाइटें नहीं चलाई हैं, ये अंदर की एक लाइट चल रही है। मच्छर ऐसे हो रहा है जैसे सर्दियों में होता है, तो अभी भी मैं काफ़ी टाइम अंदर बैठा रहा हूँ, लैपटॉप पे बैठा हुआ था, क्यों सुबह से वीडियो अपलोड की है और मैंने उसकी सूरत हाल नहीं देखी है, तो अभी देख के तो घर वालों की एक फरमाइश करके आया हूँ, वो भी अभी आ रही होगी, क्यों मैंने आमों का खाया है कि आम काफ़ी ज़्यादा धो के लेके आए, क्यों मेरा दिल कर रहा था खाने को, बस अभी वो खाएंगे और उसके बाद आराम ही करेंगे। तो आज की वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, और अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त और बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।